नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, डायरेक्टर इन न्यू ईएनटी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं आपसे बात करने आया हूं एक बहुत कॉमन परेशानी या डर गले के कैंसर के बारे में। आजकल का स्ट्रेसफुल टाइम है, फूड हैबिट्स काफ़ी ख़राब हो चुकी है लोगों की, स्मोकिंग एडिक्शन, लैक ऑफ स्लीप, टेंशन, एनजाइटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये रोग बढ़ता ही जा रहा है। तो आज मैं पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको जो आपके लिए वार्निंग्स होते हैं, जिनको देख के आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहला सिम्टम है आपकी आवाज़ में चेंज हो जाना, आपकी वॉइस क्वालिटी चेंज होना है। बोलते बोलते आपकी आवाज़ मान लीजिए भारी हो जा रही है या आवाज़ गायब हो जा रही है, दैट्स द फर्स्ट सिम्टम। ऑलवेज ज़रूरी नहीं है, अच्छा इन सिम्टम्स में ऐसा कुछ नहीं है कि सारे ही सिम्टम मिलने चाहिए, इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। आवाज़ में चेंज होना, इसके अलावा खाना निगलने में दिक्कत होना, आपको खाना निगलने में अटकने लग गया या दर्द होना शुरू हो गया है जो कि दवा लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है। थर्ड आ गया सांस में दिक्कत होना, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप चल रहे हैं बट आपकी सांस फूल जा रही है, आपकी सांस की नली के आसपास दिक्कत आनी शुरू हो गई है। थर्ड हो सकता है वज़न घटते जाना, क्रॉनिकली वज़न घट रहा है आपका, लगातार कई हफ्तों से कई महीनों से आपका वज़न घटने लग जाए, आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। आपको बार बार ऐसा लगता है कि आपको गले को साफ़ करने की ज़रूरत है, आपके गले में कुछ अटका हुआ लग रहा है और आपको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। एक और फैक्टर है कि अगर आपने मान ली गले से थूका और आपको लगता है कि उसमें से ब्लड आने लगा, और ये एक दो बार नहीं बार बार हो रहा है, तो आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स बाहर से ही दिख जाते हैं, जैसे मान लीजिए गले में कोई गांठ हो गई है, यहाँ पर आप हाथ लगा रहे हैं अचानक से आपको पता चला कोई गांठ है, अगर पेनफुल है तो आपको जल्दी पकड़ में आ जाती है, बट अगर पेनलेस है, पेनलेस मतलब जिसमें दर्द नहीं हो रहा और आपने बाई चांस पकड़ी है, तो वो और थोड़ी ज़रा ज़्यादा ध्यान से देखनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गांठ कैंसर ही है, बट उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जो पेनलेस चीज़ है वो सकता है बहुत लंबे टाइम से रही हो और आपको पता ही ना चली हो। इसके अलावा घरघराहट होना, जैसे बोलते हैं तो घरघराहट जिसको बोलते हैं होना, कान में दर्द भी एक सिम्टम हो सकता है। अगर गले के पीछे के हिस्से में कैंसर होता है तो उसका पेन रेडिएट होकर कान में जाता है और कान में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आवाज़ बैठना, जो पहले बता चुका, आवाज़ बैठने की दिक्कत हो सकती है। यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, और अगर कोई सिम्टम लंबे टाइम के लिए परसिस्ट कर रहा है तो जो भी नियर बाई ENT स्पेशलिस्ट है उसके पास आप तुरंत जाकर दिखाइए। अब आ जाते हैं टेस्टिंग पार्ट में, ट्रीटमेंट पार्ट पे कि क्या किया जाता है। टेस्टिंग में सबसे पहले तो आपको मुंह खोल के एग्जामिनेशन किया जाता है, हो सकता है डायरेक्ट टंग को दबा के मुंह खोल के चेक किया जाए। इसके अलावा कभी कभी एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है, गले का अंदरूनी पार्ट आपको डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं तो एक एंडोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। एंडोस्कोप से डायरेक्ट भी देखा जा सकता है, जैसे हमारे पास स्क्रीन रखा है इस तरह से स्क्रीन पर भी TV और वीडियो में देखा जा सकता है, छोटी सी चीज़ बड़ी करके दिख जाती है, काफ़ी अच्छे से एग्जामिन किया जा सकता है, काफ़ी हद तक तो इससे पता लग जाता है। बट अगर इसके बाद भी कन्फर्मेशन चाहिए होता है तो कभी कभी CT स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, MRI की ज़रूरत पड़ती है, और अगर लगता है कि हाँ कुछ बन रहा है, कोई गांठ बन रही है, तो फिर उसके बाद आता है कन्फर्मेशन करने के लिए। कन्फर्मेशन कैसे करते हैं, कन्फर्मेशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसके अंदर बायोप्सी करना। ना वॉट इज़ बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करते हैं कि जो भी गांठ बन रही है, जो भी लीजन बन रहा है, उसके अंदर से एक छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं और उसको टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजी भेज दिया जाता है। ये टेस्टिंग दोनों तरीके से हो सकती है, लोकल एनेस्थीजिया यानी सुन्न करके की जा सकती है, जो OPD प्रोसेस है। अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं और बिना ब्लीडिंग के कर सकते हैं तो वो OPD में ही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वोकल कॉर्ड के अंदर है या वोकल कॉर्ड के नीचे हैं, जो आप OPD बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, तो पेशेंट को एडमिट करके बेहोश करके फिर छोटा सा टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। 5 से 7 दिन वर्किंग डेज में इनकी रिपोर्ट आ जाती है पैथोलॉजी से और कन्फर्मेशन में आ जाता है कि कैंसर है या नहीं। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, अगर उसमें कैंसर निकल के आता है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है ये देखने के लिए कि क्या वो कैंसर सिर्फ गले तक ही लिमिटेड है या पूरी बॉडी में फैल चुका है, तो हो सकता है उसके लिए फिर फर्दर MRIs या PET CT स्कैन भी कराया जाए। अगर वो लिमिटेड है तो उसका ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट होता है, अगर वो फैल चुका है तो ट्रीटमेंट प्लान फिर डिफरेंट होता है।
ट्रीटमेंट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या एज है, उसका जनरल वेलबींग कैसा है, जनरल बिल्ट कैसा है, कितनी तरह की, क्या वो सर्जरी, क्या वो कीमोथेरेपी, क्या वो रेडियोथेरेपी झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, और जो अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसके लिए बेस्ट सूटेबल प्लान क्या रहेगा। इसके लिए एक प्रॉपर एक टीम होती है, 4-5 डॉक्टर्स मिलके बैठते हैं जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट, ENT सर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सबकी टीम रहती है और पेशेंट के लिए एक पर्टिकुलर प्लान डिवाइस किया जाता है जो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल होता है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सर्जरी ऑप्शन होता है कि जो भी ट्यूमर है उसको काट के निकाल दिया जाए अलॉन्ग विद द जो भी नेबरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके साथ। सेकंड होता है कीमोथेरेपी, वो करी जा सकती है, रेडियोथेरेपी वो कर सकते हैं। आजकल कुछ नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनको न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करते हैं। सर्जरी से पहले वो कभी कभी करी जाती है, उससे क्या होता है कि बीमारी श्रिंक हो जाती है और सर्जरी में हेल्प मिलती है, वो भी करा जा सकता है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल पेशेंट इमीडिएटली ठीक हो जाता है, इन जो ट्रीटमेंट होते हैं ये भी थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स देते हैं पेशेंट को। शुरुआती दौर में छाला, सूखापन, गले में दर्द होना, स्किन काली हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने पीने में निगलने की दिक्कत बाद में रहती है। इसके लिए रिहैबिलिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को सपोर्ट चाहिए होता है, उसको खाने पीने की जो भी दिक्कत होती है उसको हमेशा हेल्प चाहिए होती है, उसको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है और उसको हमेशा ये काउंसिल करते रहना पड़ता है कि तुम बेटर हो सकते हो। जब आप इस तरह का मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देते हैं, दे डू वंडर्स इन दिस, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कैंसर दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम। वंस ही इज़ आउट ऑफ दिस फेज, आपको रेगुलर चेकअप की ज़रूरत होती है। बीच बीच में 6 महीने में, साल भर में अपने डॉक्टर्स को दिखाते रहना पड़ता है, वो एग्जामिन करते हैं। अगर एग्जामिनेशन में कुछ नहीं रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा पेट CT स्कैन कराया जाता है। अब भगवान ना करे अगर रिकरेंस होती है तो फिर उसका भी ट्रीटमेंट इमीडिएटली किया जाता है इसके अंदर। फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने किसी भी छोटे से छोटे सिम्टम्स को जो परसिस्ट कर रहा हो, अनॉय कर रहा हो, और अगर कुछ आप कुछ एडिड जैसे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स अगर आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है पहले से, आपके ब्लड रिलेशन में किसी को कैंसर रहा है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां धुआं, मिट्टी, धूल ज़्यादा है, एस्बेस्टस बोलते हैं, एस्बेस्टस अगर है वहां पे, चिमनी का धुआं ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो रहने की ज़रूरत है। अगर आप फैटी फूड बहुत खाते हैं, ऑयली फूड आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, या आप अगर किसी ऐसे रीजन को बिलोंग करते हैं जहां इन जनरल इस गले के कैंसर होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपका लाइफस्टाइल कुछ इम्प्रूव रखिए अपने आप को, कुछ घरेलू उपचार होते हैं कि आप अपना थोड़ा ऑयली स्पाइसी कट डाउन कीजिए, स्मोकिंग बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, अल्कोहल कम से कम रखिए अपनी, दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज करिए, टाइम पर खाना खाइए, टाइम पर सोइए, टाइम पर अपना काम से जाइए। दीज थिंग्स आर सम थिंग्स विच विल कीप यू हेल्दी एंड मिनिमाइज, आई विल नॉट से स्टॉप, बट इट विल डेफिनेटली मिनिमाइज द रिस्क ऑफ गेटिंग यू अ कैंसर। थैंक यू।